नमस्कार दोस्तों, अभी मैं राहुल जा रहे थे यार नया ब्लॉग बनाने नई लोकेशन पे। तो यार हम जहाँ से भी क्रॉस कर रहे हैं, जहाँ भी खाने को रुक रहे हैं, जहाँ भी चाय पीने को बैठ रहे हैं, हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा, रूस यूक्रेन। कोई कह रहा है कि यार रूस ने लंबी वाली मिसाइल दाग दी तो यूक्रेन ने इतने टैंक तबाह कर दिए। तो अभी हम रुके थे, एक डोसा का ठेला था तो वहाँ ऑलरेडी 4-5 लोग खड़े थे। तो मैं कन्फ्यूज़ था कि यार इसमें से डोसा वाला कौन है। तो मैंने एक लोग से पूछा कि भैया आप लोग में से डोसा वाला कौन है। तो यार उसमें से एक बंदे ने बोला कि भैया डोसा वाला पिछले आधे घंटा से चाय की दुकान पे सुट्टा पीते हुए वर्ल्ड वार छेड़ रहा। मैंने बोला है वर्ल्ड वार? तो भाई हम वहाँ गए और भाई साहब सुनिएगा, माँ कसम बड़ा मजा आएगा। और वो डोसा वाला बोल कह रहा है कि बताइए अगर कहीं रूस ने एटम बम छोड़ दिया तो ये दुनिया तो तबाह हो जाएगी, हमारा धंधा सब खत्म हो जाएगा, हम सब लोग बेघर हो जाएंगे। अबे साले, खुद तो दुकान छोड़ के यहाँ बैठा हुआ है, दूसरे के दुकान में ज्ञान दे रहा है। और भाई यही नहीं, जिस चाय की दुकान में वो ज्ञान दे रहा है ना, वो चाय वाला भाई साहब अलग ही धोबी की दुकान में ज्ञान दे रहा है कि कहीं रसिया वालों ने 200 टन का मिसाइल छोड़ दिया तो 10-12 टन घूमते घामते यहाँ ना आ जाए। और भाई वो जो चर्चा भी कर रहा है ना उन चच्चा लोगों के साथ जो 100+ करके बैठे हुए हैं, बताइए इनको अपना नहीं फलनवा का ज़्यादा चिंता लगा हुआ है। और एक महत्वपूर्ण गुजारिश है हमारे कलाकार मीडिया वालों से, आपको पता है ये चाय वाले, ये ठेले वाले, ये चच्चा लोग कहाँ इतनी मिसाइल तोप की बातें कर रहे हैं? ओके, आप न्यूज़ में यार खाली दिन भर बम तोप कहले रहते हैं। हम पता है हम जब भी 3-4 दिन से टीवी खोल रहे हैं ना, तब से यार की मिसाइल ने तोप को उड़ाया, तोप ने फलनवा को उड़ाया, फलनवा ने ठिकनवा को उड़ाया। अरे यार, और एक न्यूज़ चैनल है भाई साहब, उसने तो हद ही पार कर दिया है। उसका नाम क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन यार उसके एंकर वाले इतना चांप के चिल्लाते हैं कि मानो रसिया का मिसाइल सीधे उनके ऑफिस में घुस रहा हो। अरे भाई थोड़ा पॉजिटिव भी दिखा दिया करो यार, ऐसा नहीं कि किसी का एक महीने के बाद शादी हो रही हो और आपकी इस गड़गड़ाहट से बेचारा वो सोचने पे मजबूर हो जाए कि मेरा हनीमून का पैसा वेस्ट ना हो जाए कहीं। ओके, आपके हिसाब से तो दुनिया 2-3 हफ्ते में तबाह होने वाली है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, और बाकी आप तो हमसे ज़्यादा ज्ञानी हैं ही।